Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. Today 18 February 2019 Monday है, अभी सुबह के 8:02 हो रहे हैं, नया वीक शुरू हो रहा है, हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। क्या आज निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकती है, ये देखते हैं। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, फिर ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, ठीक है। ये एक पिक्चर है 15 फरवरी यानी फ्राइडे का आफ्टर मार्केट आवर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो फ्राइडे के स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,760 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 10,712। ये 10 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का। जैसे ही ब्रेक डाउन लेवल हमारा ब्रेक होता है टुवर्ड्स साउथ की तरफ, तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,688 ये अचीव्ड हुआ और सेकंड टारगेट 10,678 ये भी अचीव्ड हुआ। तो फ्राइडे के स्ट्रेटेजी के हिसाब से ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 22,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू, चलते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात देखते हैं। फ्राइडे को डाउ जोन्स, नाजडैक, अमेरिकी बाजार काफी बढ़त के साथ बंद हुए। यूरोपियन मार्केट भी सभी हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज मार्केट 378 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट भी बढ़त दिखा रहा है 40 पॉइंट्स का और हांगकांग मार्केट 500 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हमने देखा जो अभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो कि पुलवामा में हमला किया है पाकिस्तान की तरफ से, तो अभी भारत का भी रिएक्शन देना लाजमी है और इसके कारण अगर वॉर की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होगा, अगर वो डेवलप कंट्रीज हो या फिर अनडेवलप कंट्रीज हो। अगर अमेरिका रशिया भी अगर वॉर शुरू करते हैं तो कंट्री का खर्चा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका असर कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर दिखाई देता है। आज की तारीख में जो ज़बरदस्त वेपन है वो है बिजनेस। अगर दूसरे कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप अफेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर आप जंग को जीत सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर वॉर का सिचुएशन क्रिएट होता है तो ये किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिकली अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इस सिचुएशन के ऊपर भी नज़र बनाए रखेंगे। अभी चलते हैं डाउ फ्यूचर देखते हैं। डाउ फ्यूचर भी 23 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी अभी हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है 21 पॉइंट्स। तो चलते हैं निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। पहला वीकली चार्ट देखेंगे, फिर डेली चार्ट देखेंगे और फिर 60 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारा इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाएंगे। यह है वीकली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। ये जो फॉल आया था, लास्ट फॉल जो आया था, उसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने यहाँ पर यह ड्रॉ किया है और लास्ट वीक का अगर आप ये कैंडलस्टिक देखें तो स्ट्रांग बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है। हालांकि जो लो है, ये लो के पास जो 38.2% का ये जो लेवल है 10,675, ये पेनेट्रेट हुआ है और 50 ईएम में जो कि ये ब्लू लाइन है, ये भी यहाँ पर ही एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आ रहा था। तो ये लेवल इसने पेनेट्रेट किया है, सपोर्ट टेस्ट किया और इसके ऊपर क्लोज हुआ है लास्ट वीक। तो ये सपोर्ट काफ़ी अहम है। अगर 675 के नीचे कंफर्टेबली क्लोज होता है तो हमें आने वाले समय में और भी निफ्टी में टूवर्ड साउथ की तरफ जर्नी दिखाई दे सकती है। हालांकि एक रेंज बाउंड मूवमेंट में, एज पर वीकली चार्ट, एक रेंज बाउंड मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऊपर जो अभी लास्ट 61.8% का ये जो लेवल इसने अचीव करने की कोशिश की थी, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 11,089 और नीचे 10,675 ये सपोर्ट का काम कर सकता है। देख सकते हैं वीकली चार्ट में टोटली ये साइडवेज पैटर्न में चल रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ से एक बाउंस बैक फिर से दिखाई दे, अगर ये ब्रेक होता है तो ही हमें टूवर्ड साउथ की तरफ मुंह दिखाई दे सकता है। तो एज पर वीकली चार्ट साइडवेज पैटर्न का अभी यहाँ पर पैटर्न बना है, ठीक है। चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। दोनों सपोर्टिव इंडिकेटर्स मैगडी और आरएसआई दोनों इस समय निगेटिव है। हालांकि मैगडी जीरो लाइन के ऊपर है और ये आरएसआई 50 जो कि मिड लाइन है इसके नीचे अभी ट्रेंड करने लगा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो निफ्टी इंडेक्स में यहाँ पर हैमर टाइप का कैंडलस्टिक बना हुआ है। हालांकि कंटिन्यूस यहाँ पर बियरिश कैंडलस्टिक बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो हैमर कैंडलस्टिक है ये हमें दिखाता है जी कि फ्राइडे को जो कि बियर का स्ट्रेंथ था, जो कि बियर ने लो लगाया था 10,620, यहाँ से फिर इसने कंट्रोल बुल्स के हाथ में दे दिया और बुल्स ने थोड़ा सा रिकवर होते होते ऊपर आकर क्लोज हुआ। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं,
जब हैमर कैंडल स्टिक ऐसे डाउन ट्रेंड में आता है तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया कि अप साइड मूव आता है, ठीक है, ये जो डाउनफॉल है इसका रिकवरी आता है, जो कि हम लास्ट दो तीन सेशंस पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 और 100 ईएमए का सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो, लेकिन इसने ये भी लेवल ब्रेक कर दिया और वो जो लास्ट जहाँ पर ये एक्यूमुलेशन जोन बना था लास्ट टाइम जनवरी एंड में, और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखाई दी थी, तो एग्जैक्ट उसी लेवल के पास इसने आकर फिर से एक बार बियर्स ने अपना स्ट्रेंथ था वो खो दिया है, तो हो सकता है यहाँ से एक बार फिर से बाउंस बैक दिखाई दे सकता है, ठीक है, ऐसा ही होगा ये नहीं कहा जा सकता, ये मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया कि हैमर कैंडल स्टिक के बाद एक बाउंस बैक आता है, तो ऊपर में अगर बाउंस बैक आता है तो अभी ये 50 और 100 ईएमए ये एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम कर सकता है, जो कि अराउंड अभी 10,800 के पास है, अगर इन तीनों के ऊपर कंफर्टेबली क्लोज होता है और बाद में यहाँ पर एक अपसाइड का कोई पैटर्न बनता है तो हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दिखा दे सकती है, लेकिन अभी इस वक्त फिलहाल ये ऊपर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है 10,800 और ये जो लेवल है 10,650 के पास अराउंड, ये हमें सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे सकता है, तो ये है फिलहाल डेली चार्ट का सिनेरियो, ठीक है, डेली चार्ट में भी क्लियरली आप देख सकते हैं ना ही यहाँ पर हायर हाई हायर लो का पैटर्न बन रहा है और ना ही यहाँ पर लोअर लो और लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है, तो साइडवेज पैटर्न है, उतार चढ़ाव वाला निफ्टी इंडेक्स में मूवमेंट हमें दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के 60 मिनट के चार्ट के ऊपर, इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्विकली। फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे एग्जैक्ट 20 ईएमए का इसने यहाँ पर ये 20 ईएमए का रेजिस्टेंस फेस किया एज पर आर्ली चार्ट, 60 मिनट का चार्ट, तो अगर निफ्टी इंडेक्स ये जो फ्राइडे का जो हाई बनाया था, मतलब ये जो बुल कैंडल ने जो ये हाई बनाया था इसके ऊपर, यानी 20 ईएमए के ऊपर अगर सस्टेन करता है कंफर्टेबली 10,746 के ऊपर सस्टेन करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,780, हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,799, ठीक है, और टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर में ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बना था इसका अगर लो ब्रेक करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,667, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 10,634, ठीक है, तो ये थी आज के लिए इंट्राडे स्ट्रैटेजी, इंट्राडे लेवल्स, तो अगर आपको ये वीडियो या एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।